पंडित अरविंद तिवारी की भविष्यवाणी ने सियासत में सरगर्मी तेज कर दी है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसके सपने में फिर जाएगा पानी, यह सब कुछ पंडित तिवारी ने बता दिया है। और पंडित अरविंद तिवारी की बड़ी भविष्यवाणी के मुताबिक भाजपा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा की कुंडली में मुख्यमंत्री बनना लिखा है। इसका मतलब है कि बीडी शर्मा भविष्य में एमपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद तिवारी ने कहा यह बीडी शर्मा की कुंडली का ही करिश्मा है कि भाजपा चुनाव में 100 का आंकड़ा पार कर रही है। चुनाव नतीजा आने से पहले ही पंडित अरविंद तिवारी ने कई भविष्यवाणी कर बता दिया है कि प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है। साल 2018 में भी वो पंडित तिवारी ही थे जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कांग्रेस सरकार बनने की बात कही थी, और जब नतीजा आया तो ठीक वैसा ही हुआ था। इस बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर पंडित तिवारी ने बड़ी बात कही है। पंडित तिवारी ने कहा यह वीडी शर्मा की कुंडली का ही चमत्कार है जो भाजपा चुनाव में 100 से ज्यादा सीट जीत रही है। अगर वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते तो भाजपा 60 सीटों पर ही अटक जाती। बीडी शर्मा की कुंडली का प्रताप है जो बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा है। देखिए बीडी भाई की कुंडली, फिर कन्या राशि की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में इस बार कन्या राशि के लोगों की बड़ी भरमार है। बीडी भाई वृश्चिक लग्न और कन्या राशि के जातक हैं। देखिए केवल बीडी शर्मा जी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसी कारण पार्टी 60 से 110 के पास आ पा रही है। इसमें बीडी शर्मा जी की कुंडली का ही चमत्कार है कि जो पार्टी पहले 60 के आसपास रुकने वाली थी वो सीधा उसको 100 तक पहुंच रही है, 100 को पार कर रही है। और 100 को पार करना अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चीज। अच्छा, अगर बीडी शर्मा बीजेपी के इस समय प्रदेश के अध्यक्ष नहीं होते, नहीं तो क्या स्थिति होती? यदि बीडी भाई प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी 60 और 70 के आसपास ही रहती, वो बहुत मुश्किल से 80 तक पहुंच पाती। उनकी कुंडली का प्रताप है ये। माने ज्योतिष के हिसाब से हम ये माने कि बीडी शर्मा का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होना ज्योतिष के अनुसार बीजेपी के लिए लाभकारी, बहुत लाभकारी है। देखिए वृश्चिक लग्न, कन्या राशि, चित्रा नक्षत्र के पहले चरण का जन्म, मुझे उनकी कुंडली जवानी याद है। आप सोचिए कि केवल उनका नेतृत्व था, जिस समय चुनाव डिक्लेयर हुए मैंने उसी दिन कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें श्योर शॉट मिलने वाली हैं। जो चंबल में कहीं ना कहीं परेशानी थी, जो विंध्य में कहीं ना कहीं परेशानी थी, वो हल हुई, कुछ हल हुई उनकी कुंडली के कारण हुआ। देखिए प्रदेश अध्यक्ष वो बेशक जीवन भर तो रहेंगे नहीं, लेकिन जब तक व्यक्ति बैठा है और उसके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं पार्टी को लाभ दिलाएगा, पार्टी को लाभ दिला देता। भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री पद की रेस में कई बड़े नेताओं के नाम हैं, पर पंडित अरविंद तिवारी की भविष्यवाणी ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। पंडित अरविंद तिवारी ने कहा कि वीडी शर्मा की कुंडली में राजनीति के उच्च पद पर पहुंचने का योग है, भविष्य में कभी भी वीडी शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले मंच में वीडी शर्मा की पीठ थपथपाकर कुछ यही संकेत दिया था कि आने वाले दिनों में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या बीडी शर्मा जी की कुंडली में कोई ऐसा योग है कि वो भविष्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उनकी कुंडली में इस समय देखिए शनि की महादशा चल रही है और उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है, पंचम भाव का स्वामी ग्रह है शनि। शनि आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में बैठा हुआ है वृषभ राशि में। वृषभ राशि माने कहा सम सप्तम भाव में, पंचम भाव का स्वामी ग्रह सम सप्तम भाव में जब भी बैठता है तो जातक को उच्च का राजनीतिक पद देता है। तो आप देखिए कहाँ एबीवीपी से शुरू हुए, सांसद बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने, कितने ही लोग, मैंने एक जमाने में वो स्वयं टिकट के दावेदार हुआ करते थे, इस बार उन्होंने 230 टिकट बांटे, कितनी बड़ी बात। तो यही ग्रहों का खेल होता है कि उस पंचम भाव के शनि ने उनको इस ऊंचाइयों तक लेके गया कि वो आज टिकट बांट रहे हैं। और भविष्य में भी मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि बीडी शर्मा साहब का भविष्य बहुत उज्जवल है, मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। भविष्य में वो कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी जो है केंद्रीय मंत्री वो जरूर बनेंगे, उनकी कुंडली में योग है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।